जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सरकारी नौकरी मेकर पर। आज हम लोग इंडियन रेलवे में जो रिक्रूटमेंट निकाला गया है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है रिक्रूटमेंट से लेके, तो ये कोई फेक न्यूज नहीं है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, तो उससे आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगा कि कब से हमारा फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, कितना पोस्ट है। देखिए पोस्ट हम हर वीडियो में बोलते हैं, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है किसी भी कैटेगरी के लिए। टोटल पोस्ट आपको नहीं देखना है, आपको देखना क्या है कि हमारा जो कैटेगरी है उसमें कितना पोस्ट निकाला है, ठीक है। तो आपको उतना ही नंबर के लिए फाइट करना होता है। तो सबसे अहम बात कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा जरूर, वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो आ गए हम अपने साइट पर। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा होगा, रेलवे टिकट कलेक्टर वैकेंसी 2021, ठीक है। तो टीसी भर्ती के लिए हमारा वैकेंसी निकाला गया है रेलवे द्वारा, ठीक है। रेलवे द्वारा हमारा ये टिकट कलेक्टर का वैकेंसी 2021 में निकाला गया। तो पूरा कैटेगरी हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसका रिक्वायरमेंट है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है। तो टोटल वैकेंसी का अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग की 61 टोटल वैकेंसी है, ठीक है। तो टोटल वैकेंसी हमारा कितना है 61, टोटल 61 पोस्ट निकालना है आपको, निकालने के यहाँ पर दिया गया, ठीक है। टोटल रेलवे द्वारा 61 वैकेंसी जो खाली थी उसको यहाँ पर निकाला गया, ठीक है। तो ये किसके लिए निकाला गया, पोस्ट का नाम क्या है, तो पोस्ट नाम है हमारा कॉमर्शियल कम टिकट कलेक्टर, ठीक है, टिकट क्लर्क कॉमर्शियल कम टीसी, ठीक है। आगे हम लोग देख रहे हैं कि ये ऑनलाइन है ऑफलाइन मोड है, तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ दिन में आपको क्लियर पता चल जाएगा कि इसका अप्लाई आप किस तरीके से कर सकते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन, ठीक है। तो इसके बारे में भी जानकारी हम आपको कंप्लीट दे देंगे। उसके बाद हमारा है कि कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, ये तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में 61 पोस्ट के लिए निकाला गया है, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया में मेल फीमेल दोनों इस भर्ती को भर सकते हैं, ठीक है। पे स्केल का बहुत ज़्यादा जरूरी, बच्चों का छात्र का यहाँ क्वेरी रहता है कि सर पे स्केल किस नौकरी में कितना मिला जाता है, तो हम बार बार कहते हैं कि पे स्केल से मतलब मत रखा कीजिए, सिर्फ मतलब आपको किसे रहना चाहिए कि आप लोग जल्द से जल्द नौकरी किसी भी प्रकार से ले लीजिए, क्योंकि एक बार नौकरी लेने से क्या होगा कि आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे के वहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पे स्केल का यहाँ पर कर ही लेते हैं, तो 21,700 हमारा 7 मैट्रिक से बनेगा और 81,000 तक हमारा जाएगा, ठीक है। 21,700 से लेके 81,000 पर मंथ हमारा इसमें बनेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ एप्लीकेशन फॉर्म की फी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा हमारा एप्लीकेशन फी के बारे में, तो एप्लीकेशन फी जो है हमारा यूआर जनरल ओबीसी के लिए फ्री है और एसटी फीमेल के लिए फ्री है, तो दोनों के लिए ये फ्री निकाला गया है टीसी के लिए, ठीक है। तो दोनों के लिए ही, जनरल कैटेगरी हो या एसटी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हो, उनके लिए ये फ्री है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर एज किन किन एज का हो सकता है, तो कैंडिडेट एज लिमिट शुड बी 18 से लेकर 35 साल तक, तो 18 हमारा मिनिमम एज हो जाएगा और 35 हमारा मैक्सिमम एज होगा, ठीक है। तो ओबीसी के कुछ एज लिमिट में छूट दिया जाता है, तो हमारा बढ़ जाएगा 3 साल + 3 ईयर हो जाएगा, तो ओबीसी के लिए हमारा 18 से 38 हो जाएगा और एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल बढ़ जाता है तो 18 से 40 हो जाएगा हमारे, किसके लिए 18 से 40 हमारा एसटी कैटेगरी के लिए हुआ था, ठीक है। तो ये आपको क्या ध्यान रखना है कि 1 अप्रैल से आपका ये डेट ऑफ बर्थ, या तो यहाँ पर 1 अप्रैल से पहले अगर आपका डेट ऑफ बर्थ पूरा हो रहा है 18 साल, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और 1 अप्रैल 2021 के बाद पूरा हो रहा था आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एज रिलैक्सेशन एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट रिलैक्सेशन एज ऑन परमानेंट गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन पर निर्मित रहता है हमेशा, आपको पता है। आगे देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, रेलवे टीसी रिक्वायर्ड लिस्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट के यहाँ पर जरूरत पड़ेगा आपको, तो सबसे पहले आपको फॉर्म भरते ही आपको बता दे रहे हैं फॉर्म में जरूरत पड़ेगा आपको, तो सबसे पहले हमारा क्या है, फोटो और सिग्नेचर, लाइट कलर बैकग्राउंड होना चाहिए आपका। देखिए फोटो में बहुत बच्चे गलत कर देते हैं जिसके वजह से उनका जो है रिजेक्शन लिस्ट में नाम आ जाता है, तो फोटो आपको लाइट ब्लू कलर में रखना है, नेवी ब्लू भी रख सकते हैं लेकिन लाइट ब्लू, यहाँ पर ब्लू मेंशन नहीं है फिर भी हमको बता दे रहे हैं, क्योंकि आधा बहुत सारा पासपोर्ट साइज फोटो में आपका ब्लू कलर का बैकग्राउंड ही यूज किया जाता है। उसके बाद हमारा एजुकेशनल सर्टिफिकेट चाहिए, 10th पास हो या 12th पास हो, ठीक है। उसके बाद सबसे अहम हमारा हो जाता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको रिजर्वेशन इसी के आधार पर मिलता है, सर्टिफिकेट से आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा और डोमिसाइल से आपको जो भी स्टेट में अगर कुछ रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाया जाता है तो वहाँ से आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। पैन कार्ड, उसके बाद आधार कार्ड, ये दोनों चीज़ आपके पास होना चाहिए। अगर आप 10th प्लस हैं तो आधार कार्ड भी चलेगा, लेकिन अगर आप ग्रेजुएट 12th प्लस पास है तो आपका पैन कार्ड होना चाहिए, ठीक है।
वहीं अगर हम लोग इसका प्रोसेस के बारे में बात कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमारा रिटेन एग्जाम होगा, फिर आपको मेडिकल टेस्ट देना होगा, फिर आपका डीवी होगा, ठीक है। डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका लिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं अगर, तो कैंडिडेट शुड हैव 10th 12th और किसी भी डिग्री से ये अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बोर्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी, ठीक है। और कुछ और यहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा जो आपको चाहिए या मांग रहा है वहां पर, तो ये हम आपको ऑफिशियल साइट में जाके अगले वीडियो में आपको पूरा डिटेल बता देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण बात जो है हमारा कि कब से इसका फॉर्म भरा जाएगा और कब तक भरा जाएगा। तो स्टार्टिंग डेट आपका शुरू हो गया, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बिल्कुल स्टार्ट हो गया आपका फॉर्म भराना। और लास्ट डेट इसका सबमिशन के लिए क्या है हमारा 30 अप्रैल 2021 लास्ट इसका सबमिशन डेट है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन बहुत जल्द इसका जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको TC से रिलेटेड था कि रेलवे में जो 61 वैकेंसी के लिए आपका पोस्ट निकाला गया है, बहुत सारे बच्चे इसका बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे थे। तो इस वीडियो आपको कैसा लगा ये वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सरकारी नौकरी मेकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद।